हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशंस। आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं, वो डीपली इनसाइट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं। ठीक है, सिर्फ इमोशंस पे बात करेंगे, उनके किसी ना एक्शन पे ना किसी अट्रैक्शन पे। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सेलिब्रेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। चलें, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इमोशंस, इमोशनली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनके इमोशंस, ट्रू इमोशंस क्या हैं। ओके, हमें कार्ड आ चुका है, कार्ड मिल चुका है। कंप्लीशन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में एक कंप्लीशन हुआ। ठीक है, मूवमेंट, जो पास्ट में मूवमेंट नहीं हो पा रही थी वो इसीलिए नहीं हो पा रही थी, एक साइकिल यहाँ पर या एक चीज़ कंप्लीट होनी थी। कुछ कंप्लीट हुआ है और कुछ यहाँ पर न्यू बिगिन होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंप्लीशन आया, कुछ कंप्लीशन की तरफ, ये किसी कंप्लीशन से गुजर रहा है ये रिश्ता। ठीक है, इमोशनली आपके पर्सन आपके साथ एक कंप्लीट भी फील करते हैं, कंप्लीट उनको एनर्जी आपके साथ जो मिलती है। लेकिन इस कनेक्शन में मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, या तो स्टकनेस थी, बहुत टाइम से स्टक था, बहुत टाइम से हैंग था इस पर्सन की। जो अपनी अंदर से अंदर की जो डीपली फीलिंग्स है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी। ये पर्सन अपने अंदर इमोशनल को लेकर जैसे क्लियर नहीं था, या तो सच में ही इमोशंस हैं या तो सिर्फ अट्रैक्शन है, इसमें फंसा हुआ था। कुछ कंप्लीशन हुआ इस पर्सन को, जैसे कुछ रियलाइज हुआ है, कुछ यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि इसको जैसे सडनली इसको कुछ समझ में आया है इस कनेक्शन से इसको क्या चाहिए, तो वो चीज़ हुई है, एक मूवमेंट। ये कनेक्शन में पास्ट में मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि ये पर्सन समझ नहीं पा रहा था इस कनेक्शन से और आपसे चाहता क्या है। तो अब समझ में आ चुका है, ये पर्सन मूवमेंट चाह रहा है। ठीक है, रिचनेस, इस कनेक्शन की रिचनेस को देख पा रहा है, इसके अंदर कितना कितना यहाँ पर पोटेंशियल है। अगर ये पर्सन यहाँ पर अगर चाहे अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना तो कर सकता है। ये पर्सन इमोशंस भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, ना यहाँ पर एक्शन ले रहा था। मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन को सडन रियलाइजेशन हुई है, एक समझ में आया इसको इस कनेक्शन से और आपसे क्या चाहिए। तो इसलिए कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब कि जो इसका एक एक अन ये जिसकी जो एक स्पेस था ना, इसके अंदर जो एक खालीपन था वो भरा है। ये जो आप लोग के बीच कोई स्पेस आया है, आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस आया है, कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे वो स्पेस इसका भर रहा है, इसको समझ में आ रहा है आपसे क्या चाहता है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसकी लाइफ में। इस तरीके का कंपटीशन मिल रहा है इसको, अपने जैसे अधूरे सवालों के जवाब, बाद दिन में ये कंफ्यूज रहा है काफ़ी अरसे से। कभी इन एंड आउट इसलिए कर रहा था क्योंकि क्लियर ही नहीं था इसको आपसे चाहिए क्या, ये आपकी लाइफ में आकर करना क्या चाहता है, या आपको दे क्या सकता है इन फ्यूचर, इसको नहीं पता था इस बात का। मतलब कि इस कनेक्शन की रिचनेस को देख पा रहा है, ये पर्सन देख पा रहा है इस रिश्ते में पोटेंशियल है। अगर आपके साथ कनेक्ट हो तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ेंगी। साइलेंस, एक साइलेंस, स्नो, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहा है ये पर्सन, साइलेंस में रहा है। मोशन, कोई यहाँ पर आपको एक्ट देखने को मिलेगा, कोई एक्शन देखने को मिलेगा अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे है क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ। ठीक है, अब इसको जैसे एक बात समझ में आ रही है, इसको कुछ क्रिएट करना चाहिए इस कनेक्शन में, इस इन सब चीज़ों में पोटेंशियल है। जैसे जो आपने प्लांट्स, जो आपने यहाँ पर सीड्स लगाए थे ना, वो प्लांट बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे हैं। जैसे इस तरीके का ही पर्सन हो सकता है, आपको ऐसा लगता होगा आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, केयर करते हैं, पैम्पर करते हैं, लेकिन इस पर्सन के अंदर आपको समझ में नहीं आता कि पत्थर का दिल है इसका या क्या है। लेकिन जो आपने प्लांट सीड किया था, वो प्लांट्स, जैसे जो आपने प्लांट लगाया था वो बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो पौधे की तरफ जा रहा है, वो बन रहा है। ठीक है, जैसे उसको पानी मिल रहा है, जैसे उसकी दिल की बंजर जमीन को पानी मिलना स्टार्ट हुआ है, तो ये समझ रहा है इमोशंस क्या होते हैं, आपके लिए रियलिटी में क्या फील करता है, इसकी रियल फीलिंग्स क्या हैं, ये आपको क्यों अपनी लाइफ में रखना चाहता है। इसको अब इस चीज़ का कंप्लीशन मिल रहा है, इस चीज़ की समझ आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, साइलेंट है, कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन किसी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन। वाइल्डनेस, बिल्कुल इसके अंदर कुछ जैसे अट्रैक्शन पैदा हो रही है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी को देख पा रहा है अपने अंदर। बिगनिंग्स, कुछ न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ,
यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, द सोल, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सोल टू सोल कनेक्शन है इसकी, जैसे आंखें आपके आपकी एक सोल तक देख पाती हैं, आपकी आंखें इसकी सोल तक देख पाती हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर सोल पैशन है आप लोगों के बीच, ठीक है। चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड ना किया हो, टाइम एक दूसरे को दे ना सके हो, आप लोगों का मीटअप या आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ना रही हो, ये एक जैसे एक आंखों ही आंखों में जो चीज़ें नहीं होती हैं, तो जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रह के कोई टेलीपैथिकली कनेक्शन बनाते हैं, वो वाला कनेक्शन है बिगनिंग। ये पर्सन कुछ बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। क्लैरिटी, मैंने कहा इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन किसी क्लैरिटी के थ्रू गुजर रहा है, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। मैजिक, कुछ इसकी ज़िंदगी में कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू, जैसे ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड था, डिटैच था, एक बहुत एक परफेक्ट पर्सन की तरह ये देख पा रही हूँ, पर्सन एक परफेक्ट इंसान की तरह आपके लिए फील कर पा रहा है, एक इसको जो एक मैजिकली वाइब है जो ये पर्सन इस वक्त आपके लिए फील कर रहा है, इसके अंदर एक जैसे एक कनेक्शन को फील कर पा रहा है, एक लाइट को फील कर पा रहा है, एक जैसे परफेक्ट जो एनर्जी होती है ना उसको यहाँ पर फील कर पा रहा है ये पर्सन, ठीक है। पावर, बिल्कुल, जिसे एक आप लोग के अंदर जो एक स्पार्क था ना, जो स्टार्टिंग में आप लोग कभी मिले थे, जो स्पार्क था वो खत्म हो चुका था, ऐसा टाइम आ चुका था आप लोग के बीच क्योंकि यहाँ पर एक स्पार्क खत्म हो चुका था, ठीक है। ये पर्सन आपसे ज़्यादा दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देता था, दूसरी चीज़ों को टाइम देता था, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है इस कुछ दौरान, 10 दिन दौरान, 10 दिन दिनों के दौरान, या तो 1 महीना, कुछ वन से रिलेटेड है, 1 ईयर, 1 मंथ, 10 डेज, कुछ ना कुछ ऐसा है, 11 डेज, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको पता चला है ये आपके लिए असल में क्या फीलिंग्स रखता है इस रिलेशनशिप की, इसके अंदर इसके इसके इमोशनली कितना कनेक्टेड है इस कनेक्शन में। एडवेंचर, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू एडवेंचर पे जाना चाहता है, इसके जैसे डीपली इमोशंस ऐसे हैं आपके साथ कनेक्ट होने के, आइस, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैचमेंट आ गई आप लोगों के बीच जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ, तो बहुत ज़्यादा जैसे आप लोगों ने फर्स्ट लुक, एक फर्स्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट किया था, उस टाइम से आप लोग कुछ ना कुछ फील करते थे इस कनेक्शन के लिए, जब आप लोग फर्स्ट टाइम जब इस पर्सन से मिले, एक मीटअप हुआ, आपको जैसे लगा आपकी सोल और इसकी सोल एक दूसरे को पहचानती है, या तो आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप लोग को ऐसा है कि आप लोग कुछ खिंचाव है, कुछ यहाँ पर आप लोगों के बीच एक अट्रैक्शन है। स्पीक द वर्ल्ड, यहाँ पे आप कोई एक पर्सन है जो कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त करता है, या तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है कोई पर्सन, या तो आप यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जैसे आपकी बात में बहुत ज़्यादा दम हो सकता है, आपकी बातों ने इस पर्सन को जगाया है, इसके अंदर के स्पार्क को जगाया है, इस पर्सन को मजबूर किया ये सोचने पे, फिर अगर ये आपको चाहता नहीं है तो आपकी लाइफ में बार बार क्यों आता है, ठीक है, बार बार ये कनेक्शन क्यों जुड़ता है, ठीक है। बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स थे इस पर्सन के, बहुत ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा जैसे एक टाइम था ये आपके लिए क्लियर नहीं था, ये आपके बारे में सोचता था, जब सही से इसको क्लैरिटी नहीं मिलती थी तो आपको वहीं स्टक छोड़ के ये लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, मतलब कि यहाँ पर ये एक जैसे एक नॉर्मली फन फ्लर्ट करना, कभी किसी के साथ कनेक्ट कर से, एक बहुत ज़्यादा एक बाग है फूलों का, वो तितली कभी इस फूल पर बैठती है, इस फूल पर बैठती है, उस फूल पर बैठती है, उसके लिए कोई प्योरिटी नहीं है, अगर आप प्योरिटी ना बने, नहीं बने, तो कोई और भी नहीं बना, ठीक है। आपके लिए सोचा कुछ समझ में नहीं आया, बाद में देखेंगे, और आप यहाँ स्टक हैं, आप वेट कर रहे हैं एक एक यहाँ पर क्लैरिटी का, यहाँ पर एक जैसे आपको समझ में आई ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, आपकी डिज़ायर है कि ये आपको आपकी वर्थ बताए, आपकी वैल्यू बताए, या तो आप यहाँ पर इसकी इसके जैसे क्लोजर ना देने पे आप बहुत परेशान हैं, वो चीज़ ये फील नहीं कर पा रहा था, अब इसका क्या ये समझ पा रहा है, कितना आपने यहाँ पर पेन बर्दाश्त करा है इसकी इन सब हरकतों से। अट्रैक्शन, इसको बेहद अट्रैक्शन हो रही है, ये पर्सन आपको एक चाइल्डिश पर्सन की तरह, चाइल्डिश बच्चे की तरह ये आपको केयर टेकिंग करना चाहता है, ये आपको इस तरीके से संभालना चाहता है जैसे एक एक इनोसेंट और एक ऑनेस्ट, इसने अगर आप इतना टाइम आपको वक्त नहीं दिया या टाइम नहीं दिया तो आप वहीं के वहीं खड़े रहे, वहीं के वहीं बैठकर इसका इंतजार करते रहे, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आज के ज़माने में तो कोई ऐसा नहीं होता, ये पर्सन खुद ऐसा नहीं है, तो आपने इससे कुछ ना कुछ मोहब्बत तो की होगी, कुछ ना कुछ आपके दिल में तो होगा जो आप पूरी दुनिया को छोड़ के इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब तक ग्रोथ,
आपके पार्टनर आप इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इस पर्सन का है कि यहाँ पे ग्रोथ आए। डार्क मैटर्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक डार्क साइट, एक डार्क मैटर्स में कनेक्टेड रहा है। इसकी कोई डार्क साइट रही है, कोई टॉक्सिक साइट रही है। स्पीड मूवमेंट, कोई मूवमेंट आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। ये पर्सन डार्क साइड से डिटैच हो रहा है, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहा है। इसके इमोशंस आपके लिए ओपन अप नहीं थे, इमोशनली ये पर्सन हील नहीं था। चेंज, बिल्कुल कोई चेंज इस रिश्ते में एक न्यू आने वाला है। आप उस चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। प्रोटेक्शन ये, लेकिन ये पर्सन, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे इस पर्सन से। ग्राउंडनेस, इस रिश्ते की ग्राउंडिंग, ग्राउंडनेस नहीं थी। ये पर्सन इस रिश्ते की पहले नींहों को मजबूत करेगा, ठीक है। लैक डीप, एक डेप्थ है इस पर्सन के फीलिंग्स की आपके लिए। एक डीपली ये पर्सन आपको फील कर पाता है, डीपली जैसे आपकी आंखों को देख पाता है, डीपली आपकी सोल को पढ़ पाता है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप लोग का ऐसे ही कोई, आप लोग एक साथ नहीं, कोई ना कोई कनेक्शन है जो आप लोग को एक साथ जोड़ता है। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 39 नंबर, 3 नंबर और 12th नंबर, 10th नंबर, 11, ये नंबर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से हो सकते हैं, 2017 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप, जिसके बारे में पास्ट के, जिसको आप पास्ट के तरीके से देखते हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है होम, आपके साथ कनेक्ट होना एक पीस, पीस क्रिएट करता है इस पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन के डीप इमोशंस, आपके पर्सन डीपली इस कनेक्शन के लिए, आप लोग की कोई भी सिचुएशन है, आप लोग कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, आप लोग यहाँ पर डिसकनेक्ट हैं, अगर कनेक्शन में भी हैं तब भी देख सकते हैं डीपली इमोशंस आपके पार्टनर के क्या हैं। देखें क्लियर हो गया ये पर्सन। सन यहाँ पे क्लैरिटी है, इस पर्सन को आपको लेकर क्लैरिटी है। ये आपको एक अपनी लाइफ की हैप्पीनेस की तरह देखता है, एक जैसे मासूम इंसान। इस पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी से हटाने की काफ़ी कोशिश करी है। इमोशनली डीपली फील कर रहा है, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये पर्सन इमोशनली आपके लिए बेहद फीलिंग्स रखता है, बेहद फीलिंग्स कैरी करता है, आपको एक ब्राइट साइड पे देखता है। लेकिन यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा, इसको बैलेंस नहीं करना आता। आपको एक कुछ प्रैक्टिकल ऑफर देना चाहता है, आपको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पर ये पर्सन जैसे समझ रहा है कि यहाँ पर अब आप लड़ने के मूड में हैं, आप लड़ने के मूड में हैं। अब आप यहाँ पर इमोशनली मूड में नहीं रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड से हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल फैमिली है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपके पार्टनर में भी है, वो अलग बात है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पहले एक फ्लर्ट फन की एनर्जी में रहे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को देख नहीं सके, जजमेंटल। इस पर्सन ने पास्ट में जज किया बहुत ज़्यादा आपको, आप इस पर्सन को हील कर रहे थे, आप इसको यहाँ पर समझदारी से समझा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आप इस पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहते हैं और कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप इस पर्सन से मैरिज चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर दे, आपके साथ कम्युनिकेशन में आए और आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करे। एस ऑफ कप्स, इस कनेक्शन में आपको न्यू बिगनिंग देखने को मिल सकती है, एक इमोशनली लव। देखें एस ऑफ कप्स फूल, बिल्कुल आपको एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपके, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली क्रेव कर रहा है अपनी लाइफ में, ये नहीं चाहता आप किसी और तरफ जाएं, ठीक है। डबल की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव रहा है, ये नेगेटिव अपने पैटर्न्स को एंड करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर भी है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने पास्ट में आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब करा। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोलिंग हो सकती है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको अपनी हैप्पीनेस की तरह देख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई मुझे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई मदर फिगर है, कोई फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये अपनी मदर से कनेक्टेड भी बहुत ज़्यादा और जैसे चलती भी उनकी बहुत ज़्यादा। आप लोगों के बीच कास्ट कल्चर कोई डिफरेंसेस है, इसको पास में चीज़ें सब पता थी, लेकिन इसको पता था इसकी फैमिली कोई इशू ना डाल दे, इसकी फैमिली कोई भंड ना डाल दे, इसलिए बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट पे रहा, अपनी फीलिंग्स को लेकर समझना चाहता था, लेकिन खुद ही एक्सेप्ट नहीं करी। इसको ऐसा लगा ये खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर हार्ट ब्रोकन होता रहा। आपको यहाँ पर ये पर्सन इसी के चलते एक हर्ट करता रहा। इसकी फैमिली के साथ कोई इशू है, अब इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बिल्कुल यहाँ पे कोई फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपको इस पर्सन ने एक्सेप्टेंस नहीं दिए और अपना इशू भी नहीं बताया,
क्योंकि इसको ऐसा लगता था ये चीज़ बनी नहीं सकेगी, तो आपको यहाँ पर अपना प्रॉब्लम अपना इशू बता के करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अपना इशू भी इसने क्लियर कट आपको नहीं बताया, इसका कोई ये मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है और इसकी लाइफ में चलती भी बहुत ज़्यादा मदर की होगी, ठीक है। इसकी फैमिली में एक फादर से ज़्यादा मदर का होल्ड है, लेकिन जो भी कनेक्शन एंड हुआ, ये जो एक टॉक्सिक हुआ आपकी तरफ, तो ये कोई अपनी फैमिली इशू की वजह से आपके साथ एक टॉक्सिक इसका बिहेवियर था, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसकी फैमिली, ये कावर्ड इंसान भी रहा है पास्ट में, ठीक है, इसको स्टैंड लेना भी नहीं आता, चाहे कमाता होगा बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, मेच्योरिटी आपको वैसे देखने से दिखती होगी, लेकिन यहाँ पर ये जैसे एक अपना स्टैंड नहीं ले सकता, अपनी बात किसी को कह नहीं सकता, आपको नहीं कही तो किसी और को क्या कहेगा, आपको भी थोड़ा सा अब जैसे हिचकिचा रहा है कि आपको पास्ट की बातें बताए। पहले तो इसने पर्सन ने आपको अपनी जिंदगी में ले आया, लेकिन मजबूरी फैमिली को बना दिया। पहले नहीं पता था जब ये कनेक्ट हो रहा था कि फैमिली भी बीच में आ सकती है, फैमिली के कोई आप इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हो, फैमिली इशू ना बना दे, तो आपको पहले कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कनेक्ट हो गया। बाद में इसको ये सब चीज़ें महसूस हुई कि अब ये बातें आगे बढ़ रही हैं, ये पर्सन मेरा सीरियस हो रहा है, तो ये डिफेंसिव एनर्जी में आ गया। इसने अचानक आपको गोस्टिंग करी, अचानक यहाँ पर बैक स्टेपिंग दे दी, जिससे आपने बहुत ज़्यादा हर्ट आपकी फीलिंग्स रही, ठीक है। फिर आपको लेकर कंफ्यूज भी हो गया, क्योंकि इसके ऑप्शंस इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, उस टाइम ये ग्रो कर रहा था, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा था, सक्सेस मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, नाम फेम बहुत ज़्यादा। ये ऐसा पर्सन है बहुत ज़्यादा जैसे इसके इर्द गिर्द लोग होते हैं बहुत, जैसे जहाँ भी होता है बहुत लोग इसके इसके लिए प्रपोजल्स बहुत हैं, इसके लिए लोग बहुत हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि प्योरिटी देते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इसको समझते हैं एक विक्टोरियस पर्सन है, कहीं ना कहीं जहाँ भी अपनी सोसाइटी में है, जहाँ भी काम करता है, बहुत मतलब किसको लोग जानते हैं, इस तरीके का वेल नोन पर्सन है, लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मतलब किसके लिए इसको ऐसा लगा ये भी है वो भी है, तो यहाँ पर एक तो बात बन भी नहीं सकती और फिर पेरेंट्स भी इशू करेंगे, तो यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्टैंड भी नहीं रह पाएगा, इसने बहुत कुछ सोचा, इसने बोला अभी जो मिल रहा है इसको हर जगह ग्रीनरी लग रही थी, इसने बोला इसको और भी अच्छा मिल सकता है, और भी अच्छा मिल जाएगा, तो इस चीज में आके इसने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है। इसने इन सब चीजों के चलते आपको सैक्रिफाइस करा, बहुत ज्यादा कंपेयर करा, कॉन्टेम्पलेट करा, एक डिसीजन मेकिंग करा, और आपको सोचा भी नहीं आपको क्या गुजरेगी, आप यहाँ पर कितना डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपने इतना टाइम अकेले गुजार दिया कि ये वापस आएगा इसी ट्रस्ट पे, इसी आपने इसी फेथ पे इतना टाइम आप अकेले रहे, डिस्टेंस पे रहे, आप अकेले अपनी ज़िंदगी में चलते रहे, परेशान थे, डिप्रेस थे, जैसी भी आपकी ज़िंदगी थी, आपको कोई चाइल्डहुड वूंड भी हो सकता है, आप कोई यहाँ पर डिस्टर्ब पर्सन हो सकते हैं, कोई चाइल्डहुड से रिलेटेड आपके साथ इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, और इस पर्सन ने भी आपको नहीं समझा, वैसे आपको ज्यादा किसी ने समझा ही नहीं, क्योंकि अब तक की जो आपकी लाइफ रही है, आपके आपके रिलेशनशिप भी बने तो वो बहुत ज्यादा खास चले नहीं है, वो भी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं थे, लेकिन ये पर्सन आपको एक सोल टू सोल आपका टाई लगा था, आपको ऐसा हो सकता है डिफरेंसेस भी ज्यादा हो, लेकिन फिर भी एक सोल मैच आपको लगा था कि जैसे ये हेवन से आपके लिए है, ये पर्सन एक फेटेड कनेक्शन है, ये पर्सन आपका एक एक जैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, इस फ्यूचर पर्सन से मिल चुके हैं, आपको इस तरीके से वाइब थी इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्वीट आपके लिए काइंड रहा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर ये कैसे बदलता रहा कि आपको भी समझ में नहीं आया, आपकी अच्छा आपका आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप लोग की अच्छी इस पर्सन से दोस्ती बातचीत बहुत अच्छी रही है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आते आते जब आप सीरियस हुए तो ये पर्सन एंटी हो गया। जब आप यहाँ आपने पहले ये आपको सीरियस ले रहा था, आप डर रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि आपके पास के भी वूंड्स रहे हैं, अपने रिश्तों के अलग, अपनी फैमिली से रिलेटेड अलग, पेरेंट्स से रिलेटेड अलग, जब आपने इस पर्सन को सीरियस लेना शुरू करा तब आपको गोस्टिंग स्टार्ट मिली है इस पर्सन की तरफ से, आप इस पर्सन ने इमोशनली आपको रिजेक्शन दी है, इमोशंस से इसने पर्सन ने आपको हर्ट किया, ठीक है। और इसका यहाँ पर जो मसला था ना, वो इसकी फैमिली का मसला था, ये उधर इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ इसको आउटकम ना मिलना हो, ये पर्सन जैसे कारोबारी दिमाग नहीं होता, वहाँ इन्वेस्ट करता है, वहाँ अपना टाइम पैसा सब इन्वेस्ट करेगा जहाँ इसको दिखेगा कि हाँ यहाँ से आउटकम मिलेगा, करके देखा होगा किसी और के ऊपर भी, जैसे एक्सप्लोर इसने एक्सप्लोर करा है लोगों को, लेकिन वहाँ से कोई आउटकम नहीं मिला, वो बहुत ज़्यादा शॉर्प लोगों के साथ कनेक्ट हुआ था जो इसी का फ़ायदा लेना चाह रहे थे, इसको कोई फायदा दे नहीं रहे थे, इससे फायदा लेना चाह रहे थे, तो इसको यहाँ पर आपकी याद आई, इसको ऐसा लगा कि सिर्फ आप है जिससे एक इंसान, ये पर्सन एक होमली वाइब फील करता है, जैसे अपने घर में इंसान सेफ होता है, ऐसे आपके साथ इसको एक सेफ और प्रोटेक्शन फीलिंग्स मिलती हैं, ये आप पे ट्रस्ट कर सकता है अपना दिल खोल के, पास में आपके ऊपर भी ट्रस्ट करने से डरता रहा है, लेकिन जब इसने दुनिया को आजमाया तो इसको सिर्फ ट्रस्ट आपके ऊपर करने का दिल कर रहा है, आपसे अब कंपटीशन, आपसे भी कोई डिस्टेंस हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर अब फील कर रहा है कि आपकी कमी किस तरीके से इसको खल रही है, क्योंकि अब यहाँ पर दुनिया को भी एक्सप्लोर कर लिया, अब किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का भी दिल नहीं कर रहा, और आप भी यहाँ पर थोड़े से अपनी लाइफ में साइलेंट होकर आपने भी एक किनारा आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते गए, और अब आपने तेजी पकड़ ली, एक रास्ता पकड़ते पकड़ते आप तेजी से उस रास्ते को पकड़ के भागने लग गए, तो आपने अपनी लाइफ को सिक्योर कर लिया इस पर्सन से। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है, आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी टावर मूवमेंट है, जो भी डिस्ट्रॉय हुआ वो ये पर्सन जानता है, इसकी खुशियाँ डिस्ट्रॉय हुई हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस थे, ये ऑप्शंस ओपन अप रखता था आपको, आपको इस पर्सन ने ऑप्शंस बनाया हुआ था, ऑप्शन में आपको इंक्लूड करा हुआ था, जैसे ही आपको ये बात पता चली कि इसने और भी लोगों को एक्सप्लोर कर रहा है, अपने और ऑप्शन इसने ओपन अप रखे हुए हैं, आपने यहाँ से वॉक अवे करा है, फीलिंग ऑफ लॉस से आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो गए अपने ऊपर, आपने इतना काम करा, फोकस हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हैं आप, अपने ही अंदर अपने ही आप से बात करते रहते हैं, अपने ही अपने आप से अपनी जात के साथ जुड़े रहते हैं, ना कि किसी और के साथ जुड़ना पसंद करते हैं आप। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हुए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक एवं दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।